दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, ये एक प्योरली एजुकेशन चैनल है और सिर्फ अवेयरनेस के लिए हम जो भी डिस्कशंस करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं ताकि आपको उसकी नॉलेज मिल सके, सही ज्ञान मिल सके। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो सके। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपने सोशल सर्कल में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच सके जो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहता है। दोस्तों, अगर आप अपना ऑनलाइन फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और अपना फ्री अकाउंट आज ही। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज की जो बिल्कुल एक हॉट न्यूज है। पिछले कुछ दिनों में हमने एक न्यूज सुनी कि चाइना के एक बैंक ने, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, उसने हमारे HDFC बैंक की एक सब्सिडरी है जिसको HDFC लिमिटेड कहते हैं, उसमें 1% इक्विटी हासिल की, 1% इक्विटी परचेज की मार्च 31 एंड होते होते। दोस्तों, इस न्यूज का इंपैक्ट क्या हुआ, हर तरफ शोर मचना शुरू हो गया कि चाइना दूसरे देश की ऐसी कंपनीज में निवेश करने जा रही जो उस कंट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये एक ऐसा रूट है दोस्तों जिसके तहत एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके निवेश कर सकती है और वहां की कंपनियों में मालिकाना हक हासिल कर सकती है। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि FDI क्या है, FDI किस तरह से होती है, FDI कितने प्रकार की होती है, FDI का रूट क्या होता है और FDI किस किस सेक्टर में हमने एलोकेट कर रखी है, हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, ये पूरा वीडियो है कंप्लीट गाइड अबाउट FDI और हम चर्चा करेंगे इस न्यूज का जो उसके बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आई। जी हां, भारत सरकार ने तुरंत एक्शन में आते हुए एक और न्यूज फ्लैश की आपके सामने पेश कर रहा हूं, जहां भारत सरकार ने 18 अप्रैल 2020 में किसी भी बाहर की हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनको भारत में FDI के रूट के थ्रू निवेश पे ऑटोमेटिक रूट पे रोक लगा दी। समझिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक रूट की। दोस्तों, दो तरह के रूट इसमें होते हैं जो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कितने तरह के रूट होते हैं, कितने तरह के जरिए होते हैं FDI इन्वेस्टमेंट के। हाँ, ऑटोमेटिक जो रूट था जहां पे सरकार की अनुमति के बिना, जी हाँ सही सुना आपने, सरकार की अनुमति के बिना अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, जी हाँ, और आप उस कंपनी के मालिक बनने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की इजाजत के नहीं होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे FDI क्या है। और दोस्तों, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिनको इसकी इंफॉर्मेशन है वो स्किप कर सकते हैं, पर जिसको FDI के बारे में नहीं मालूम है, दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, हमारे देश की GDP से जुड़ा है, हमारे देश की ग्रोथ से जुड़ा है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, इस पॉलिसी का इफेक्ट क्या होगा कि जितने भी बॉर्डरिंग नेशन है, जितने नेशंस का बॉर्डर हिंदुस्तान में लगता है, वो कंट्रीज अगर उन कंट्रीज की कोई भी कंपनी हमारे देश में निवेश करना चाहती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बिना इजाजत के नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जहां हमें लग रहा था कि चाइना दूसरी ऐसी कंट्रीज में निवेश कर रही है जहां वो चाहती है उनका मालिक बनना, तो ऐसी कंपनीज में अगर निवेश करेगी जहां हमें पता भी नहीं लगे और हमारा मालिकाना हक वो लेके चली जाएगी, दोस्तों इसके ऊपर एक बेहद जरूरी न्यूज है, बेहद जरूरी लगा मैं। और भारत सरकार ने एक जबरदस्त फैसला लिया है, बिल्कुल उसको जो ऑटोमेटिक रूट था उसको नॉन ऑटोमेटिक रूट कन्वर्ट कर दिया गया। अब आपको बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के आप किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर पाएंगे। जी हां, हमारे पड़ोसी मुल्क सुन ले, अब हिंदुस्तान में बेवजह अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से निवेश करके अगर आप चाहते थे हमारी कंपनीज में निवेश करके हमारे मालिक बन जाना, वो संभव नहीं होगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस पूरे वीडियो को, देखते हैं FDI होती क्या है, ये कैसे तय होती है, कौन तय करता है, किस किस सेक्टर में कितनी FDI, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। FDI जैसा नाम में छुपा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसा आपके सामने लिखा रहा है, जी हां, इस वीडियो को कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में भी मैंने लिखा है ताकि हर किस्म की ऑडियंस इसको पढ़ सके। परिभाषा क्या, अगर एक देश की कंपनी दूसरे देश की किसी कंपनी में निवेश करना चाहती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, FDI। मतलब वो उस कंपनी की मैनेजमेंट में कुछ हिस्सा अधिग्रहण कर लेती है, मतलब अगर वो उस कंपनी की ओनरशिप में पार्ट
पार्टिसिपेट कर लेती है ऐसा करने से। दोस्तों एफडीआई के दो प्रमुख रूप हैं, एक है ग्रीन फील्ड एफडीआई और दूसरा है ब्राउन फील्ड एफडीआई। पहले हम समझते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या। ग्रीन फील्ड एफडीआई ऐसी है कि जहां दूसरे देश की कंपनी एक दूसरे देश में जाके वहां पे अपने ऑफिस स्थापित कर सकती है, ऑफिस खोल सकती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक, एमेजोन, इन्होंने हमारे देश में अपने ऑफिस खोल रखे हैं। ब्राउन फील्ड एफडीआई का क्या मतलब है कि यहां पे जो दूसरे देश की कंपनीज है वो अपने ऑफिस नहीं खोलती है बट दूसरी कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके उसका अधिग्रहण करने की कोशिश करती है, वहां पे अपना हिस्सा बना लेती है। अगर एफडीआई इतनी खतरनाक है तो इसके फायदे क्या हैं, इसको क्यों अलाउ किया जाता है? दोस्तों सबसे पहली चीज है कि जो दूसरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उन कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त होती है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट होने के बाद से जो हमारा सामान है वो सस्ती दरों पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात है कि जो दूसरे देश की बेटर टेक्नोलॉजीज है वो हमारे देश को मिल जाती है। तीसरी, जब दूसरे देश की कंपनीज यहां पर आती है वो रोजगार का अवसर आपको प्रदान करती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जैसे किसी एफडीआई के फायदे हैं वैसे ही उसके नुकसान भी हैं। बहुत शोर सुना था दोस्तों जब एफडीआई हिंदुस्तान में आने वाला था कि छोटे व्यापारियों को उसमें नुकसान होगा ही होगा। बिल्कुल हाँ, पैसे का खेल है, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा बड़ी ताकत लेके आएगा, छोटे मझोले व्यापारियों को इससे नुकसान जरूर होता है। दूसरा, जो विदेशी कंपनियां हैं वो घरेलू कंपनियों पे अपना अधिकार जमाने लगती है। यही एक डर था जिसकी वजह से अभी हमने जो गवर्नमेंट ने ये नियम उठाया है कि कोई भी ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। देखते हैं आगे कौन कौन से रूट हैं जिसके तहत अब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो तरह के रूट हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक है अप्रूवल। ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपको अगर हिंदुस्तान में निवेश करना है तो आपको आरबीआई और सरकार की अनुमति पहले लेने की जरूरत नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं बाद में, ठीक है। पर हां, दूसरा रूट है अप्रूवल का, आपको पहले पूरे कागजी कार्रवाई करनी होगी और हां पहले ही अप्रूवल लेना होगा। अगर सरकार मना कर देती है, आरबीआई मना कर देती है तो आप हमारे देश की कंपनी में निवेश नहीं कर पाएंगे। जैसा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में किया, 1% हिस्सेदारी बढ़ाई, अब नहीं कर पाएंगे जब तक हमसे वो अप्रूवल नहीं लेंगे। दोस्तों 2014 से लेकर 15 में हिंदुस्तान की जीडीपी ने 7.3% के हिसाब से ग्रोथ दिखाई थी, बहुत कमाल की ग्रोथ थी। और एक अनुमान था आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, एक अनुमान भी था कि हिंदुस्तान चाइना को भी बीट कर जाएगा, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही लाइमलाइट की न्यूज थी जहां पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था, हमारी तरफ पूरा विश्व निवेश करना चाह रहा था, यहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी। तो उसके तहत सरकार ने कुछ नियम उठाए, कुछ कदम उठाए और आगे आगे एफडीआई में कुछ ढील बरती। पहले हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा एफडीआई के सरल नियम नहीं थे बट धीरे 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 जैसे जैसे हम गाड़ी पटरी पे आने लगी, जैसे जैसे हम ग्रोथ की बात करने लगे, जैसे जैसे हम विकास की बात करने लगे, हमें एफडीआई की तरफ ध्यान बढ़ाना पड़ा। और हां, एक अनुमान यह भी निकल के आया कि हिंदुस्तान को अगर चाइना को बीट करना है तो अपना एफडीआई जो है उसको $100 बिलियन से भी बढ़ाना होगा। आप समझ के देखिए, $100 बिलियन। दोस्तों बिलियन डॉलर की परिभाषा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एफडीआई में हमारा स्टेटस क्या है, कितना साइज हो चुका है एफडीआई का हिंदुस्तान में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि 1 बिलियन कितना होता है। जी हां, आपने सही सुना, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। दोस्तों तो मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो फिगर्स की हम बात करने वाले हैं सबके पीछे बिलियन वर्ड यूज होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिलियन का क्या मतलब है। बिलियन का मतलब 100 करोड़। अगर मैं 2 बिलियन की बात कर रहा हूं तो 2 बिलियन नहीं है, वो 200 करोड़ है और यूएसडी डॉलर है। तो 2 × 100 × USD का रेट अगर 76 लगाएं तो 2 × 100 × 76 करोड़ रुपीज, समझिए इतने करोड़ का खेल होने वाला है। दोस्तों DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुमान के हिसाब से हिंदुस्तान में 2000 से लेकर 2019 के बीच में जो FDI निवेश था वो कितना हो चुका था, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जी हां, उस की रकम थी $456.79 बिलियन, $456.79 बिलियन। दोस्तों बहुत बड़ा निवेश था। 2019 से 20 के बीच में हिंदुस्तान में जो एफडीआई आया, किस किस रूट से आया, कहां कहां से आया, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमें निवेश इस 19-20 के बीच मिला सिंगापुर से, वो था $11.65 बिलियन का। मॉरिशियस से $7.45 बिलियन, नीदरलैंड से $3.53 बिलियन, जापान से $2.80 बिलियन, यूएसए से $2.79 बिलियन। इंडिया हैव बिकम द मोस्ट फेवरेट। जी हां, हिंदुस्तान मोस्ट फेवरेट इमर्जिंग नेशन बन गया है उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में निवेश करना चाहते हैं। जो सालाना एफडीआई इनफ्लो है हिंदुस्तान में वो अगले आने वाले 2 साल में $75 बिलियन से भी ज्यादा का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और भारतीय सरकार ये प्लान कर रही है कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर $100 बिलियन का विदेशी निवेश हमारे हिंदुस्तान में हो। इसी कदम में हिंदुस्तान ने जो एफडीआई निवेश किया है पिछले कुछ टाइम में, उसको देख लेते हैं वो क्या है। जनवरी 2020 में अमेज़न ने 1
बिलियन डॉलर का मतलब 100 करोड़ यूएस डॉलर का निवेश किया हिंदुस्तान में। दोस्तों मास्टर कार्ड ने भी 1 बिलियन डॉलर का आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में निवेश करने का प्लान किया है। अक्टूबर 2019 में फ्रेंच कंपनी टोटल, जी हाँ TOTAL, ये फ्रेंच ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में अदानी गैस में निवेश किया 5,600 करोड़ के आसपास का। 2019 की सबसे बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सऊदी अरेमको के बीच में हुआ 20% का FDI करार जिसकी कीमत थी 75 बिलियन US डॉलर। 2018 अक्टूबर में VMware जो अमेरिका की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसने हिंदुस्तान में 2 बिलियन डॉलर का निवेश प्लान किया। वहीं अगस्त 2018 में करार हुआ भारतीय एयरटेल हिंदुस्तान की कंपनी और वारबर्ग पिंकस के बीच में 350 मिलियन डॉलर का। दोस्तों जून 2018 में आइडिया बहुत चर्चा में रही जहां उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को यह विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी कि उसके अंदर FDI परसेंटेज को 100% अलाउ किया जाए जो उसकी शर्त को मान लिया गया था। उसके बाद बहुत बड़ा करार हुआ वोडाफोन आइडिया के बीच में और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी उभर के आई वोडाफोन आइडिया। 2018 मई वॉलमार्ट ने 77% स्टेक लिया रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट में जिसकी कीमत है 16 बिलियन डॉलर। अब लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं कि सरकार अब इस कदम पे नया क्या कर रही है, बहुत लेटेस्ट न्यूज क्या है। 2020 मार्च में, दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, 2020 मार्च में सरकार ने तय किया है कि अगर कोई NRI, जी हाँ अगर कोई NRI निवेश करना चाहता है तो एयर इंडिया में वो 100% स्टेक ले सकता है। 2019 दिसंबर में सरकार ने डिजिटल सेक्टर में, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करें, वहां पे 26% FDI को अनुमति दी है। कोल माइनिंग में सरकार ने 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मंजूरी दी। दोस्तों यूनियन बजट 2019-20 का जब आया तो सरकार ने सभी स्टेक होल्डर से बात करके एविएशन मीडिया में भी FDI हिस्सेदारी की बात को मंजूरी दी है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी मिली और रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज में कोई सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI का अप्रूवल दी गई। तो सो कुछ स्क्रीन आपके सामने आएंगी, इसको जरूर देखिएगा। इस स्क्रीन को एक एक पॉइंट को अगर मैं रीड करने लगूंगा तो शायद और आधा घंटा निकल जाएगा। इस वीडियो को प्रिसाइज करने वाला हूं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाद में जब इस वीडियो को आप कंपाइल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो एक एक स्क्रीन को स्टॉप करके इन वीडियो की डिटेल्स को आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। अब देखते हैं कि सेक्टर वाइज FDI अप्रूवल हिंदुस्तान में कहां कहां है, कौन कौन से सेक्टर में FDI निर्धारित है, कहां कहां पे विदेशी पैसा आ सकता है, किस किस सेक्टर में विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती हैं और क्या अप्रूवल के प्रोसीजर्स हैं। एडवांस इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर में ऑटोमोबाइल में 100% ऑटोमेटिक रूट से आप FDI कर सकते हैं। डिफेंस के अंदर 49% पहले था, अब उसको 100% गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ अलाउड हो गया है। एविएशन सेक्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो FDI कैप 100% के आसपास है, मतलब 100% FDI अप्रूवल है, ऑटोमेटिक रूट है बहुत सारी कंडीशंस में और कहीं पे सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब आप कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो NRIs के लिए तो 100% अलाउड है, बट नॉन NRIs के लिए 74% अलाउड है, उसमें भी 49% ऑटोमेटिक, उसके बाद सरकार की आपको मंजूरी लेनी होगी। फाइनेंस एंड बैंकिंग, इसमें भी FDI अप्रूव्ड है, लोगों को यह भी नहीं मालूम है किस किस सेक्टर में FDI निवेश कर रहे हैं। उसके बाद बात यह इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां पे भी देखिए आप लगातार देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में 100% FDI अप्रूवल ही है। रिटेल सेक्टर की देखने की कोशिश करें तो रिटेल सेक्टर में भी 100% ऑलमोस्ट 100% FDI है और ऑटोमेटिक रूट से। सिर्फ मल्टी ब्रांड रिटेल जो है उसमें 51% अप्रूवल अलाउड है सरकार की मंजूरी के बाद। हेल्थ केयर के अंदर में मेजरली सभी सेक्टर्स में 100% ऑटोमेटिक FDI अप्रूवल दिया हुआ है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर भी ऑलमोस्ट 100% सभी सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक रूट के तहत में। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग को थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा है दोस्तों, क्योंकि मीडिया ब्रॉडकास्टिंग में अगर दूसरी विदेशी निवेशी कंपनीज को ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया जाएगा तो ये कंपनीज हमारे देश के ऊपर में पूरा वर्चस्व कायम कर लेंगी, हमारे मीडिया को हाईजैक कर लेंगी, तो यहां पे सरकार ने जो कंट्रोल है अपने हाथ में रखा है काफी हद तक। एजुकेशन में 100% FDI अप्रूवल है, कोरियर सर्विसेज में 100% FDI अप्रूवल है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को सरकार के मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। दोस्तों इस पॉलिसी का इफेक्ट देखा जाए तो बहुत साफ साफ है कि अब कोई भी विदेशी कंपनी सरकार की RBI की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकती है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है जो ये सोचते थे कि हिंदुस्तान उनकी जागीर है, जो ये सोचते थे कि जब मर्जी आएंगे और हिंदुस्तान को गुलाम बना के चले जाएंगे, हिंदुस्तान की कंपनियों में निवेश करके अधिग्रहण कर लेंगे। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में पैसा लगाएं तो ये हम चाहते हैं कि आप पैसा लगाएं, रोजगार के अवसर आए, यहां पर नई कंपनीज खुले। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर BPO इंडस्ट्री की बात करें, एक समय में हिंदुस्तान में BPO इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, कोई कॉल सेंटर में जॉब करना पसंद नहीं करता था, बट अगर आज देखें
तो विश्व की सभी कंपनीज के, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के कॉल सेंटर हमारे हिंदुस्तान में है और हमने उस सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा बिजनेस भी जनरेट किया है, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, हमारे लोगों को जॉब्स मिली और अच्छी खासी सैलरी पे लोग वहां जॉब कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम चाहते हैं आप हमारे देश में पैसा लगाए तो ये हमारी मर्जी है, पर अगर आप अपनी मर्जी से पैसा लगा के हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों एक गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमारे हिंदुस्तान की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में है जो किसी भी कड़े से कड़े कदम को उठाने में सोचता नहीं है। अगर वो आपको ये अनुमति दे सकता है कि आइए हमारे देश में निवेश कीजिए तो उस अनुमति के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है और उसके ऊपर नियम भी निर्धारित कर सकता है। दोस्तों ये रही FDI के ऊपर पूरी चर्चा आपके सामने और हां मैं इस कदम का सराहना करता हूं। जहां पूरा हिंदुस्तान ये चाह रहा था कि चाइना के ऊपर लगाम लगाई जाए, मुझे लगता है इस कदम से चाइना के ऊपर लगाम जरूर लगेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पे सबका अधिकार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।